फाइनली एक बार फिर से इबादत और मन्नत में हो चुकी है बहस। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमदिंग देखने को मिलेगा रब से दुआ का, और वहीं एक तरफ आपको रब से दुआ के अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली एक बार फिर से इबादत और मन्नत में हो चुकी है बहस। जी हाँ, वेल दोस्तों, हुआ मुझे यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली जो मन्नत होती है वो फरहान को कॉल कर रही होती है, वो फरहान की टेंशन ले रही होती है कि फरहान ने दवा ली होगी या नहीं, आखिर उसको हुआ होगा या नहीं, या फिर डॉक्टर के पास गया होगा या फिर नहीं। जी हाँ, और जैसे वो कॉल कर रही होती है वहां पे पहुंच जाती है इबादत, पर इबादत पहुंचने के बाद फाइनली उसको रोक लेती है, और रोकने के बाद फाइनली इन दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, और फाइनली जो इबादत होती है मन्नत को कह रही होती है कि तू उसके जाले में मत फंस, वो तेरे को फंसाना चाहता है, वो तेरे को लूटना चाहता है। जी हाँ, पहले तूने देखा नहीं वो तेरे साथ क्या क्या करना चाहता था, तो प्लीज तू उसके छलावे में मत फंस, वो छल रहा है तेरे साथ। जी हाँ, और वही एक तरफ जो इबादत होती है मन्नत को बोल रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करता है, वो तेरे से प्यार नहीं करता है। वेल जैसे ही तेरे सामने जवाहरात मिलेंगे वो तेरे को छोड़ देगा, वेल तेरे को प्यार करता ही नहीं है। जी हाँ, तो वही एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जो मन्नत होती है उसी की साइड ले रही होती है, यानी कि फरहान की साइड ले रही होती है, और फरहान के लिए बोल रही होती है, और बोल रही होती है कि फरहान मुझसे प्यार करता है ना कि मेरे पैसों से प्यार करता है। वेल तुमने उसको अब उसके गली तक में नहीं रहने दिया है, वेल उसके घर से उसको बेदखल करवा दिया है, तो वो क्या करेगा बंदा, बताओ आखिर कैसे पैसे का इंतजाम करेगा, पैसे का अरेंज तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना, तो तुमने तो उसको गली तक का नहीं छोड़ा है, पर कैसे करेगा वो पैसे का इंतजाम। जी हाँ, और इसी बीच इन दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है, और फाइनली जो मन्नत होती है वो इबादत को कह देती है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, बल्कि तुम है और तुम्हारे सुभान को छोड़ने वाली नहीं हो, और साथ ही साथ ये भी बात निकल जाती है कि मुझे पता है कि तुम सुभान से प्यार करती हो, बल्कि मेरे को पता है कि तुम सुभान से प्यार करती हो, इसलिए तुम और पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें सुभान से शादी करना चाहिए, लेकिन तुम मेरे को उसको गले बांध रही हो। जी हाँ, वेल अब देखना ही होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, वेल आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसे अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और इतने अपडेट के साथ। बाय बाय।